करीब 15 दिनों से यहां पर खाद्य आपूर्ति अधिकारी और गेहूं की कालाबाजारी करने वाले माफियाओं का खेल लगातार चल रहा है। मणिभगत से ललितपुर से सरकारी गेहूं को मध्य प्रदेश में भेजा जा रहा था। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सीहोर में गेहूं की कालाबाजारी हो रही थी। राय वेयर हाउस के सामने गेहूं से खड़े ट्रक भी अधिकारियों को मौके पर मिले। अधिकारियों ने 5 ट्रक यहां पर पकड़े हैं, 3 ट्रैक्टर को जब्त किया है और करीब 500 क्विंटल गेहूं भी बरामद कर लिया। आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी संख्या में गेहूं ललितपुर से मध्य प्रदेश की सीमा में कैसे चले गए। सुबह 7 बजे सूचना मिली थी कि राय वेयर हाउस सिहोरा रोड में कुछ उत्तर प्रदेश के ट्रक आते और कन्वर्ट होकर यहाँ ट्रैक्टर में सिहोरा में जमा कर रहे थे। सिहोरा रोड की टीम के साथ यहाँ पर आया राय वेयर हाउस में। राय वेयर हाउस में आके देखा तो 5 ट्रक हमको अवेलेबल हमको मिले, उसमें से 3 ट्रक में गेहूँ भरा था और 2 ट्रक खाली हो चुके थे। माल खरीद केंद्रों में पाए गए, सिहोरा मंडी के अंदर 4 ट्रैक्टरों में पाया गया। यहाँ किस पथ पर है आप? हमें 12 साल हो गए। चौकीदार है क्या यहाँ पर? हाँ। ये गाड़ी 5 गाड़ी सब आज कितने बजे आएंगे गाड़ी? आज 6 बजे। राहतगढ़ में एक प्राथमिकी दर्ज के संबंध में सूचना प्राप्त की। मेरे द्वारा जिला मजिस्ट्रेट सागर से वार्ता की गई। संजीव हमारे सहयोगी जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर गेहूं की कालाबाजारी की गई है, पता चला कि किनकी मिली भगत से पूरा काम हुआ? देवांगी जी, मैं आपको बता दूं, सैकड़ों क्विंटल गेहूं ललितपुर से रोज प्रतिदिन 5-6 ट्रक प्रतिदिन सागर के लिए जाते थे। सागर में इसकी कालाबाजारी होती थी। अभी जब सीहोर तहसीलदार ने इस मामले को पकड़ा, उसके बाद इस चीज का खुलासा हुआ, उसके बाद DM ने उनसे बात की तो बाद में पता चला है कि काफी दिनों से माने गोरख धंधा गेहूं का कालाबाजारी का हो रहा था, जिसमें अभी DM ने जांच बैठाई है। SDM जो है उनके लिए इसकी जांच दी है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें कौन कौन से अधिकारी और कौन कौन से व्यापारी इसमें दोष। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। और यहां में मजदूरों की मौत के बाद अब उनके शवों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया उसकी हर तरफ निंदा हो रही है। शवों और घायलों को एक साथ एक ही वाहन से